डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बादल है और मैं पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और अपने मामा जी के साथ रहता हूँ। 2 महीने पहले मेरे मामा जी ज़िद कर रहे थे कि मैं उनके पास आ जाऊँ पढ़ने के लिए। कृष्णानगर में काफ़ी अच्छे कॉलेज थे और मैं गांव में रहकर अच्छे कॉलेज का चुनाव भी नहीं कर सकता था, तो मामा जी ने मेरी माँ से बात की और मुझे यहाँ पर बुला लिया। यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया, लेकिन 1 महीने की छुट्टियाँ होने के कारण अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था। अब 2 महीने बीत चुके हैं और यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको तो पता ही है, माँ बाप के साथ रहना कितना आसान होता है। आप अपनी ज़िद मनवा सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रोक टोक थी। मेरी मामी थोड़ा सा ज़िद किया करती थी, वो जो बनाया करती थी वही खाना पड़ता था और मेरी फरमाइश कभी पूरी नहीं होती थी। मामा जी का लड़का जो कहता घर में वो बनता और हर किसी को वही खाना पड़ता। मेरी ज़िद तो पूरी हो ही नहीं रही थी और मुझे ऐसा बंधा बंधा सा महसूस होने लगा था। लेकिन ज़िंदगी में आपको छोटी मोटी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है और मैं भी इसे एक छोटी मोटी मुश्किल ही समझ रहा था। लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, ये मुझे पता नहीं था। मेरे मामा जी का लड़का मुझसे 10 साल छोटा था और वो मुझसे हमेशा कहा करता था कि ये इलाका बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा टूना टोटका करते हैं और उससे बचकर रहना पड़ता है। जादू टोने से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा उससे कहा करता था, भूत प्रेत जादू टोना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बनावटी बातें होती हैं। लेकिन मेरे मामा जी, मेरी मामी और मेरे मामा जी का लड़का तीनों मिलकर मुझ पर इस तरह से बात जमाया करते थे कि मैं भी मानने पर मजबूर हो गया था, सच में ये इलाका जादू टोने वाला है। अब उनसे बहस कौन करता। मेरे मामा जी का लड़का मुझ पर हंसा करता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि जानबूझकर वो भी भूतों पर यकीन नहीं करता और चाहता है कि मैं वैसा ही बेवकूफ़ बनूं जो भूतों पर यकीन करते हैं, इसीलिए वो मुझ पर हंसा करता था। लेकिन एक बात जो तीनों एक साथ बताया करते थे वो थे मौत की मटकी की जानकारी। इस कॉलोनी में और पास के वो जो बाग हैं वहाँ पर मौत की मटकी लोगों को नजर आती है। जो भी उस मटकी को खोलने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। क्या सच में कोई जादू टोने वाली मटकी छोड़ जाता है जिसे छूने भर से ही आपकी मौत हो सकती है। पहले पहले तो मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब हर कोई इसकी बात करने लगे तो आपको भी यकीन होना शुरू हो जाता है। इस कॉलोनी में मेरे कई दोस्त बन गए थे, कई बूढ़े अंकल थे जिनके पास जाकर मैं यहाँ कॉलोनी की बातें सुना करता था। हर कोई उस मौत की मटकी की बात किया करता था। एक शाम मैं अपने उस कज़न भाई के साथ ग्राउंड में खेलने के लिए गया हुआ था। ये छोटे बच्चों का खेल था और वो धीमी गेंद के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। मैं तो ऊब गया था और मैं घर आना चाहता था, लेकिन मेरा कज़न भाई भी मुझसे कहने लगा कि वो मेरे साथ ही घर आने वाला है, उसे भी यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों घर की तरफ निकल पड़े थे। ये रास्ता 2 किलोमीटर का था। यहाँ बंद पड़े घरों के बीच से हमें निकलना पड़ता था। वो बाग के एक तरफ से आते हुए मुझे सामने लाल रंग की एक मटकी नजर आई जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेटा गया था और एक लाल रंग का धागा भी बांधा गया था। अक्सर अपने गांव में जब भी मुझे ऐसी कोई मटकी नज़र आती है तो मैं पत्थर उठाता हूँ और मटकी को तोड़ देता हूँ, इसमें भी अलग ही मज़ा होता है। आज भी मैंने वो छोटा पत्थर उठाया था, लेकिन मेरे मामा जी के लड़के ने मुझे एकदम रोक दिया। यही है मौत की मटकी, लाल रंग की मटकी, इस पर सफ़ेद निशान भी तो बना हुआ है, ध्यान से देखो। मैंने उस मटकी की तरफ देखा, सच में उस पर सफ़ेद रंग का निशान बना हुआ था। मैं भी थोड़ा सा घबराने लगा था।
मेरे मामा जी के लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से वहां से भागने लगा और कहने लगा, इसके आसपास वो शक्ति भी मौजूद होगी, हमें इस मटकी से जितना दूर हो जाए उतना दूर भागना होगा, और याद रखना ये मटकी सिर्फ हमें ही नज़र आ रही है, किसी और को नज़र नहीं आ रही होगी। अगर कुछ समय बाद हम यहाँ पर आएंगे भी ये मटकी गायब हो चुकी होगी। मैं अपने भाई पर यकीन करना तो चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, उनके दबाव में मैं मान रहा था कि भूत प्रेत होते हैं। असल में मुझे नहीं लगता कि जादू टोना होता है या भूत प्रेत होते हैं। उसके साथ मैं घर की तरफ भाग आया था। घर के काफ़ी करीब आकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। वहाँ उसके कई दोस्त थे जो उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में तो वो मुझे सही रास्ता दिखा रहा था। फिर भी दोस्तों से बेइज्जती से बचने के लिए उसने मेरा हाथ छोड़ा और वो दोस्तों की तरफ भाग गया। मैं अब अकेला था। मैं घर भी जाना नहीं चाहता था क्योंकि ज़्यादा शाम नहीं हुई थी। मैं रात से पहले तो घर में जाता ही नहीं, क्योंकि दिन खराब क्यों करना, आप कुछ लोगों के साथ बात तो कर ही सकते हैं। अब मेरा कज़न भाई काफ़ी छोटी उम्र का था, अब उसके दोस्तों से बात करने में ज़रा मज़ा नहीं आता था। मैंने सोचा इस कॉलोनी की दूसरी तरफ चलता हूँ, लेकिन ये रास्ता वही था जहाँ से हमने उस मटकी को देखा था। मैं अब अपने भाई की तरह डरने वाला नहीं था। मैं चल पड़ा वापस उसी रास्ते पर। कुछ ही समय लगा और मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ पर मटकी पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो मटकी गायब थी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, लेकिन उस मिट्टी पर पैरों के निशान तक छपे नहीं हुए थे, बस मटकी के निशान थे। मटकी वहाँ से हटाई जा चुकी थी और शायद कहीं और रखी जा चुकी थी। मैं भी सोचने को मजबूर हो गया। थोड़ी दूर आगे तक मैंने इस चीज़ के बारे में देखा, उस दीवार के पीछे की तरफ देखा जहाँ वो मटकी पड़ी थी। आखिर कौन उस मटकी को रख कर जाता है? आखिर इस कॉलोनी के लोगों को कोई क्यों डराता है? बाग में आने वाले लोगों को डराने के लिए यहाँ माली ये सब तो नहीं करता। मेरे दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे, लेकिन जवाब कौन देता? जवाब तो मुझे खुद ही ढूंढने थे। अब वहाँ कुछ देर देखने के बाद मैं आगे वाली कॉलोनी में चला गया। वहाँ पर कई बड़े लड़के थे जो मेरी उम्र के थे, मैं उनसे बातें कर सकता था। कुछ लड़के मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाले थे, इसीलिए उनसे बातें करने में मुझे अच्छा लगता था। मैं वहाँ चला गया और उनसे बातें करने लगा। बातों बातों में मैंने उस मटकी की बात भी की, लेकिन वो मुझ पर इस तरह से हंस रहे थे जैसे वो इन चीज़ों पर यकीन करते ही ना हो। अब बड़े पशुपेश में फंस गया था मैं। कुछ लोग थे जो इस पर यकीन करते थे, उनके सामने अगर आप ऐसा दिखाएं कि आप यकीन नहीं करते तो वो आप पर गुस्सा होने लगते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे उनके सामने अगर आप ये दिखा दें कि आप इस पर यकीन करते हैं तो वो आप पर हंसने लगते थे। ये वही हंसने वाले लोगों में से थे, और मैं जैसे जैसे उन्हें बताता गया कि हमें लाल मटकी मिली थी, सफ़ेद रंग के निशान बने थे, वो लड़के मुझ पर हंसते रहे और कहने लगे, तुम्हारे कॉलोनी वाले भी पागल हैं, वो कैसी कैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं। मैंने हंसी हंसी में बात इधर उधर घुमा दी। अरे मैं भी तो मजाक ही कर रहा था, तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। ये बात सुनकर हम सब हंसने लगे, और उसके बाद वक्त कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। आज बहुत समय बाद अपनी उम्र के बच्चे मुझे मिले थे, और उनसे बातें करते करते समय बीतता जा रहा था। 9:30 बज गए थे और 9:30 घर जाने का समय था। मामा जी आज बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले थे। भागता भागता सीधा मैं घर पहुँचा। वहाँ मामा जी का लड़का पहले से ही मामा और मामी जी को तैयार करके बैठा था मुझ पर गुस्सा करवाने के लिए। पता नहीं उसने क्या क्या बातें बता दी थी। मैंने पत्थर उस मटकी पर मारा ही नहीं था, लेकिन मामा जी के लड़के ने यह बता रखा था कि मैं पत्थर मार रहा था उस मटकी के ऊपर। मामा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा। उस दिन मेरी भी ज़िद थी कि मैं कुछ खास खाना चाहता था, लेकिन गुस्से के कारण मामा जी ने कहा, आज तो पीले रंग की दाल बनी है, वही खानी पड़ेगी। और मैं भी गुस्से में कहने लगा, वो दाल तो मैं खाने वाला नहीं, भले ही आज मुझे भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। मामा जी मान नहीं रहे थे, मामी भी मान नहीं रही थी। गुस्से में मैं बाहर निकल आया। मामा जी मुझे मनाते रहे, आ जाओ बाहर, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, 1-2 घंटे अंधेरे में घूमना चाहता हूँ। अक्सर इस कॉलोनी में लोग रात को 12 बजे तक घूमते हैं, और मामा मामी भी कई बार 12 बजे तक बाहर घूमते ही रहते हैं, तो मैं भी 9:30 बाहर निकल आया था। उन्होंने ज़्यादा ज़िद नहीं की, लेकिन मैं गुस्से में था। मैं उस कॉलोनी में सैर नहीं करना चाहता था, मैं अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहता था। पहले तो मैं उस कॉलोनी में बनी सड़क पर ही सैर करने लगा। धीरे धीरे लोगों की संख्या वहां कम हो रही थी, क्योंकि मैं चलता चलता कॉलोनी से काफ़ी बाहर जा रहा था। आगे वो फलों के बाग बने हुए थे,
उस तरफ सैर करने के लिए कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा झाड़ियां थी और रास्ते भी बहुत कम बने हुए थे। सुबह सुबह जरूर उन बाग में कोई ना कोई सैर करने के लिए जाता हो, लेकिन रात के वक्त किसी की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो मौत की मटकी कहते हैं बाग में सबसे ज्यादा नजर आती है। मैं गुस्से में था, मुझे लगने लगा था बाग का माली ही होगा जो सबको बेवकूफ बना रहा होगा। बाग में चलता हूँ, वहां जाकर कुछ ना कुछ फल तोड़कर खा लूंगा। भले ही रात को पेड़ों के ऊपर से फल और पत्ते तोड़े नहीं जाते, लेकिन मैं गुस्से में था, ऐसा कर सकता था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे ही बाग के अंदर पहुंचा, वहां पेड़ों के ऊपर चिड़ियां जैसे चहचहा रही थी। रात के वक्त काफी कम चिड़ियां होती हैं, ज्यादातर टिड्डों की आवाज आती है, लेकिन फलों वाले बाग में रात के वक्त भी चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाने की आवाजें आती ही रहती हैं। शायद अभी तक वो चिड़ियां सोई नहीं थी। अब मैं उन बाग में काफी आगे तक पहुंच गया था। नीचे ईंटों की बनी हुई छोटी सी सड़क थी, यह पगडंडी सी बनी हुई थी जो घुमावदार थी। आसपास कुछ पौधे भी लगे हुए थे, लेकिन पेड़ बहुत ज्यादा घने थे। आम के पेड़, लीची के पेड़, कई ऐसे पेड़ वहां पर लगे हुए थे जिनके पत्ते इतने घने थे कि ऊपर से चांद की रोशनी तक नीचे नहीं पड़ रही थी। बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन इस बाग में कोई भी जानवर नहीं आता, इसीलिए अंदर डर ज्यादा नहीं था। अब मैं चलता चलता आगे बढ़ गया। जैसे ही एक मोड़ पर मैं पहुंचा, सामने लाल रंग की मटकी नजर आई। वहां पर कोई पेड़ नहीं था, चांद की रोशनी में साफ साफ वो लाल रंग की मटकी दिख रही थी जिस पर सफेद रंग का कपड़ा और लाल रंग के धागे से उस कपड़े को ऊपर लपेटा गया था। सफेद रंग के अक्षर उस मटकी के ऊपर साफ साफ आंखों में पड़ रहे थे। ये वही मटकी थी जिसे मौत की मटकी कहा जाता है। अब मैं थोड़ा असमंजस में फंस गया था। क्या मुझे उस मटकी को हाथ लगाना चाहिए? क्या मौत की मटकी की कहानियां सच ही तो नहीं? सोच में पड़ा हुआ मैं उस मटकी के सामने खड़ा था। कभी कभी तो मेरी नजर इधर उधर जाती, कोई देख तो नहीं रहा। मैंने सोच लिया, मटकी को तो हाथ लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लूंगा कौन छिपकर इसे रख कर जाता है और कौन उठाकर जाता है। मैं अब इस तरह से आगे निकल गया था जैसे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उस मटकी से दूर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही एक घना पेड़ आया, वहां काफी अंधेरा था। चुपके से उस पेड़ के पीछे छिप गया मैं। मटकी वहां से साफ साफ नजर आ रही थी। मैं जानना चाहता था कौन उस मटकी को उठाकर लेकर जाता है। काफी समय तक मैं उस पेड़ के पीछे छिपकर देखता रहा। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से सूखे हुए पत्तों पर बिना आवाज किए अलग अलग पेड़ों के पीछे जा रहा था मैं। मैं उस मटकी के काफी करीब था। अलग अलग पेड़ों के पीछे जाकर ये भी देख चुका था आसपास कोई छिपकर नहीं देख रहा। आधा घंटा वहां छिपकर रहा था मैं और कोई नहीं आया था। अब मैं पेड़ से बाहर आ गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये मटकी कोई ना कोई तो रख कर गया होगा। उस दिन वहां से मटकी किसी और ने उठा ली होगी। कई लोग मानते ही नहीं भूत प्रेत को, और यहाँ जो मटकी रख कर गया है वो डराने के लिए ही रख कर गया है। यहाँ पर काफी फल है और लोग तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ ही तो सकते हैं, बस ये मटकी डराने के लिए कोनों पर रखी हुई है। इस मटकी में देखता हूँ सामान है क्या। मैं धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से उस मटकी के पास गया और अपने हाथों से उस मटकी को उठा लिया। यकीन कीजिए, आप जादू टोने पर यकीन ना करते हो, भूतों पर यकीन ना करते हो, लेकिन जब ऐसी चीज को छूने के बाद अंदर सनसनी सी फैल जाती है, वो एहसास अलग होता है। यकीन एक तरफ और डर एक तरफ, दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है चला जा यहां से, मत छू इसे। दूसरा हिस्सा कहता है अबे बेवकूफ मत बन, डर मत, तू सही कर रहा है। अब मेरे पास एक चादर थी। मैंने उस मटकी को चादर की एक तरफ किया और उस चादर को मटकी के ऊपर ओढ़ लिया। इस तरह कोई देख भी नहीं सकता था। अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर मैं उस बाग के एक तरफ जाने लगा। मैं उस मटकी को कहीं और जाकर खोलना चाहता था। भले ही मैं जितना भी डरा हुआ हूं, लेकिन रोमांच का एहसास भी होने लगा था। मैं घूमता हुआ उस बाग से बाहर निकला और कॉलोनी के पास आ गया। मैं कॉलोनी के अंदर भी नहीं आना चाहता था क्योंकि वहां सैर करने वाले कई लोग मिल जाएंगे और उस मटकी को हाथ में देख
मेरे पीछे मारने के लिए ही ना दौड़ पड़े। इसीलिए एक दीवार से सटकर अब वहां चांद की रोशनी भी पड़ रही थी और एक तरफ स्ट्रीट लाइट थी, उसकी रोशनी भी आ रही थी। आराम से मैं देख सकता था आखिर उस मटकी में क्या है, क्या है मौत की मटकी में। मैंने जैसे ही वो सफेद कपड़ा ऊपर से हटाया, वो सफेद रंग के जो अक्षर बने हुए थे वो जैसे सफेद चौक से बनाए गए थे, बड़ी आसानी से मिट गए। वो धागा भी कच्चा था, टूट चुका था। कपड़े को एक तरफ किया और उस मटकी के अंदर देखा मैंने। उस मटकी के अंदर कुछ कपड़े थे, कुछ कागज के टुकड़े थे, वहां सिंदूर रखा हुआ था, वहां अजीब सी लकड़ी की चीजें पड़ी हुई थी जिन पर नक्काशी की हुई थी। ये तो किसी का सामान लग रहा था। मैंने उस सामान को बाहर निकालकर देखने की कोशिश की और जैसे ही मैंने वो सामान बाहर निकाला, पास से किसी की आवाज आई। उस दीवार के पार कोई था जिसने घुंघरू पहन रखे थे और कदम आगे बढ़ा रहा था। इस दीवार की एक तरफ जगह बनी हुई थी जिससे इस तरफ आया जा सकता था। मैं घबरा सा गया, कोई आंटी तो नहीं जो इस तरफ आ रही हो? अगर उसने देख लिया हाथ में मटकी है तो मेरी तो बुरी तरह से पिटाई हो सकती है यहाँ पर, क्या करूँ? मैं मटकी को लिए उस कपड़े को अपने मुंह पर ओढ़कर दोबारा बाग की तरफ भागने लगा। मैं बड़ी तेज भाग रहा था। मैं उस आंटी से बचना चाहता था जिसने घुंघरू पहने हुए हो। मैं उस पगडंडी पर पहुंच गया और पेड़ों की आड़ से जैसे वहां आगे निकल गया। ओ, मेरा पीछा थोड़े ना करने वाली है। उस बाग के काफ़ी अंदर तक पहुंचने के बाद मुझे चांद की रोशनी काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। मैं अब उस मटकी के अंदर देखना चाहता था, लेकिन तभी एक पेड़ के पास से वैसी ही घुंघरू की आवाज़। घबरा गया मैं, मेरा पीछा कर रहा है कोई, मेरा पीछा कर रहा है। फिर से मैंने कपड़े के अंदर उसे डाल लिया और मैं काफ़ी आगे की तरफ निकला। मैं अब भागना नहीं चाहता था ताकि किसी को शक ना हो। अगर वो आंटी मेरे पीछे भी आई हो तो उसके भागने की रफ्तार तेज़ नहीं होगी। मैं तो जल्दी भागकर यहां पहुंच गया। और ये जो कपड़ा मैंने लपेट रखा था, इसके एक तरफ का रंग कुछ और, दूसरे तरफ का रंग कुछ और था। पहले सफ़ेद रंग का ऊपर की तरफ किया हुआ था, अब तो लाल रंग का ऊपर था। वो मुझे पहचान ही नहीं सकती। यहाँ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था और मैं नज़रें पीछे नहीं करना चाहता था। थोड़ा आगे पहुँचने के बाद वो घुंघरों की आवाज़ आती ही जा रही थी, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। ऐसा लग रहा था जितनी तेज़ मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, पीछे चलने वाला भी उतनी तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। ये आंटी ही है या कोई आदमी तो नहीं जिसने जेब में सिक्के डाले हों और मुझे लग रहा है कि वो पायल की आवाज़ है। तभी मैंने नज़र पीछे घुमाई और पीछे कोई नहीं था, दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। मेरे कदम रुके हुए थे और घुंघरू की कोई आवाज़ नहीं, पायल की कोई आवाज़ नहीं। मैंने नज़रें आगे की और मैं हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो भी था चला गया। कुछ कदम बढ़ाए थे और वो घुंघरू, वो पायल की आवाज़ फिर से आई। ऐसा लग रहा था कोई मेरा पीछा तो कर रहा है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। घबराहट सी होने लगी थी। मुझे लगने लगा था जिसने ये मटकी रखी है, पीछा तो वही कर रहा है। ये कोई बूढ़ी आंटी होगी जो इस कॉलोनी में रहती होगी, लोगों को डराने के लिए, लोगों पर जादू करने के लिए ऐसा मटकी बनाकर रखती होगी। लोग डरते हैं, मैं डरने वाला नहीं। मैं इधर उधर झांकता तो जा रहा था, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था। घुंघरों की आवाज़ बस आए जा रही थी पास से, कोई सामने नहीं आ रहा था। एक जगह मैं रुक ही गया। वहाँ पेड़ों की संख्या काफ़ी कम थी, 3-4 पेड़ ही थे आसपास, और मैंने आवाज़ लगाई, जो भी हो बाहर आओ, मैं जानना चाहता हूँ कौन मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरने वाला नहीं, देखो मेरे पास हथियार है, मैं उस हथियार से हमला कर दूंगा। बाद में मत कहना कि मैंने पीछे से हमला कर दिया। अब वो घुंघरू की आवाज़ फिर से नहीं आई। चार ही तो पेड़ थे, एक एक करके चारों पेड़ों के पीछे जाकर देखा मैंने, कोई मौजूद नहीं था। मैं हैरान सा हो गया, आवाज़ यहाँ तक तो आई थी, अब जो भी है वो कहाँ गायब हो गया? चार ही तो पेड़ हैं, ज़्यादा अंधेरा नहीं है, कोई छिप भी नहीं सकता। मैं अब आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ाए और घुंघरों की आवाज़ आई। कोई था जिसने कदम बढ़ाए और घुंघरों की आवाज़ आई, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा? ये तो हैरानी की बात थी। अब मुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैंने ये शब्द कहे। मैंने कहा, मैं इस मटकी को ज़मीन पर फोड़ दूंगा, फिर तुम्हें मटकी मिलने वाली नहीं। ये तो मैं जानता हूँ, जो भी मेरा पीछा कर रहा है ये मटकी वही रखता है। तो सामने आ जाओ, वरना मटकी फोड़ दूंगा और सारा सामान बिखेर दूंगा।
इसके बाद एक पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत चलती हुई बाहर की तरफ आई। उसका चेहरा काफी भद्दा सा था, यानी उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उसकी चाल काफी सामान्य इंसानों की तरह। अगर किसी की उम्र 80 से 90 साल हो तो उसकी पीठ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, शरीर कमजोर होता है, चाल भी कमजोर सी होती है और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां। वो झुर्रियां उसके चेहरे पर थी। शरीर थोड़ा सा कुबड़ भरा था, लेकिन कदम बड़े तेज, बड़े दमदार और जल्दी से वो उस पगडंडी पर पहुंच गई थी। उसकी आंखें मेरी तरफ थी और चेहरे पर मुस्कान। हंसते हंसते वो कहने लगी, ना इसे तोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से जोड़ना पड़ता है। तुमसे पहले भी किसी ने इसे तोड़ दिया था, बड़ी मुश्किल से सामान इकट्ठा किया था, तोड़ना मत। मैं अब हंसता हुआ उससे कहने लगा था, अब मैं समझ गया, तुम कोई बूढ़ी औरत हो जो ये मटकी रखती हो और लोगों को डराती हो। मैं ये समझना चाहता हूँ, मटकी से तुम्हें फ़ायदा क्या होता है? लोगों को डराकर बस मज़ा आता है या कोई 10-20 रुपए रख कर जाता है जिसके सहारे हर रोज़ तुम मटकी रखना शुरू हो गई हो? वो हंसती हुई कहने लगी, पागल समझा है मुझे? तुम्हें पता है मेरे पास कितने पैसे हैं? बहुत अमीर हूँ मैं, पैसों की ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो तुम्हारे पास है और मुझसे छीना जा चुका है। तुम अगर वो मुझे दोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, वरना शायद मारना भी पड़ सकता है। उसकी वो मारने वाली बात सुनकर थोड़ा सा घबराया था। उसने अपने हाथ में कुछ छिपा रखा था, वो कोई तेजधार हथियार भी तो हो सकता है। घबराते घबराते मैंने कहा, तो वो बातें सच है? वो जो 20 से 21 साल की लड़की मारी गई है, तुमने उसे मारा है? ये मौत की मटकी सच में लोगों को मारती है, यानी कि तुम मारती हो? वो हंसती जा रही थी। मुझे उसकी हंसी से डर लग रहा था। मैं उस मटकी को पकड़े काफी ज्यादा डरा हुआ था और उसने भी चेतावनी दे दी, मटकी गिरी तुम मरे, मटकी हाथ से नहीं गिरनी चाहिए, सामान हाथ से नहीं गिरना चाहिए, तुम्हारे शरीर के भी उतने हिस्से करूंगी जितने सामान यहां पर बिखरे हुए होंगे, और तुम्हारी आत्मा इकट्ठा करके देगी, आत्मा को भी कैद कर लूंगी। उसकी बातें इस तरह से मुझे डरा रही थी कि मैं थर थर कांपना शुरू हो गया था, लेकिन उससे बचने के लिए कोशिश तो मुझे करनी ही थी। मैं मटकी को पकड़े हुए ही उस पगडंडी से आगे की तरफ भागना शुरू हो गया। बूढ़ी औरत है, पकड़ थोड़ी ना पाएगी, मैं ये सोच रहा था, लेकिन सच ये नहीं था। उसके कदम, उसकी वो धमक जो जमीन पर पड़ रही थी, वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ भागना शुरू हो गई। मैं उतनी तेज भाग नहीं पा रहा था जितनी वो कुबड़ निकली हुई औरत मेरे करीब भाग रही थी। वो बहुत करीब थी। मुझे याद आ गया सिंघम का वो सीन जिसमें अजीत देवगन वो गुंडे के बिल्कुल साथ साथ भागता है, वो भी ऐसे मेरे साथ भाग रही थी, मेरी तरफ देखकर हंस भी रही थी। मैं ये तो समझ गया था इससे तेज भागा नहीं जा सकता, अब समझौता करना होगा, इसे बेवकूफ बनाना होगा और इससे बचना होगा। मैं एकदम से रुक गया। वो रुक नहीं पाई, उसके पांव उखड़े और जमीन पर उसका चेहरा इस तरह से टकराया जैसे उसकी खोपड़ी ही टूटने वाली हो, घिसटती हुई काफी आगे तक गई थी। कुबड़ के कारण वो भाग तो सकती थी लेकिन रुक नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से संभल कर खड़ी हुई और मेरी तरफ देखने लगी। चेहरे पर चोट लग गई थी उसके और गुस्सा उसका और ज्यादा बढ़ गया था। वो गुस्से में कहने लगी थी, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, मौत की मटकी को हाथ लगाया है, अब तुम्हारी मौत होनी तो पक्की है, डरो, कांपो, मैं तुम्हें कांपता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं क्या करता, अब इतना ज्यादा डर लगता ही नहीं, और सामने वो गिरी इस तरह से थी कि मैं तो उस पर हंस रहा था और वो मुझे कहे जा रही थी, हंस रहे हो, डरो, मैं तुम्हें डरता हुआ देखना चाहती हूँ। वो ये कह रही थी और मेरी हंसी बड़ी मुश्किल से रुकी। अब मैं समझौता करना चाहता था। मैंने कहा, देखो इस मटकी के ऊपर मैं कपड़ा लपेट दूंगा, वैसे ही अक्षर दोबारा लिख दूंगा, उसी कोने पर रखकर आऊंगा, तुम्हारा काम तुम्हें नहीं करने दूंगा, खुद करूंगा, तुम मुझे यहां से जाने दो। वो अब हंसने लगी थी, तुम डरने लगे हो, अब समझ में आया, डर तुम्हारा बढ़ने लगा है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं उससे पहले तुम्हें डरा हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे भी समझ में आ गया है वो मुझे डराना चाहती है, मैं डरूंगा नहीं और बिना डरे वो मुझे कुछ करने वाली नहीं। मैंने साफ साफ कह दिया, देखो मारना है तो मार दो, डरने वाला मैं नहीं, तुम्हारे चेहरे से मुझे हंसी आ रही है, डर नहीं लग रहा। उसका गुस्सा और बढ़ता गया,
उसका गुस्सा जितना बढ़ता जा रहा था उसकी टांगें उतनी ज़्यादा कांपती जा रही थी, और वो मुझे डराने की जितना ज़्यादा कोशिश कर रही थी मेरी हंसी उतनी ज़्यादा छूटती जा रही थी। मैंने भी सवाल किया, तुम हो कौन बूढ़ी औरत, इस तरह से डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो कहने लगी, साधारण औरत नहीं हो, मैं एक भयानक चुड़ैल हूँ जो जीवन सोख लेती है। तुम्हारी सारी उम्र सोख लूंगी मैं, बूढ़ा कर दूंगी तुम्हें अपनी तरह, तुम्हारी उम्र मुझे लगेगी और मैं जवान हो जाऊंगी। मैं उस पर हंसने लगा था। अच्छा तो ऐसे सपने देख रही हो जवान होने के, अपना बुढ़ापा देखो, मरने की तैयारी करो, कौन सी जवानी की बात कर रही हो? वो बहुत गुस्से में आ गई थी, जितना गुस्से में वो आती जा रही थी टांगे उसकी कांपती जा रही थी, और गुस्से में वो चीख पड़ी, पागल लड़के मैं तुम्हारे टुकड़े करने की बात कर रही हूँ, तुम मेरा मजाक बनाए जा रहे हो, एक चुड़ैल की भी ये हालत की हुई है तुमने। अब इसके बाद मैंने जो कहा उस चुड़ैल के होश उड़ गए थे। ठीक है अब इस मटकी को मैं यहां पर रख रहा हूं, किसी और मुर्गे को फंसाने की कोशिश करना, अब भागकर मेरे साथ आना चाहती हो तो आ जाओ, मैं भागकर घर की तरफ निकलने वाला हूं। मैंने वो मटकी नीचे रखी और उसके बाद उसके सुर ही बदल गए थे। देखो जान से नहीं मारने वाली, मैं इतनी बुरी नहीं हूं, मटकी को नीचे मत रखना, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सौदा है, तुम मेरे काम आ सकते हो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ अगर तुमने गलती की, लेकिन मुझे तुम पर थोड़ा सा तरस आ रहा है, तुम अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं सौदा करती हूँ। उस मटकी के अंदर एक ड्राई फ्रूट होगा, सूखा हुआ सेब, तुम्हें एक सूखे हुए सेब की छोटी सी टुकड़ी उठानी है, उसे खाना है, बस वो खाओगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं अब उस पर शक करने लगा था, मुझे लगने लगा, देखो तुम्हारे पास शक्तियां होती अब तक तुम मुझे मार चुकी होती, अब ये सौदा करके तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई जहर होगा और मौत की मटकी में मौत की चीज़ ही तो होगी, खाऊंगा और मर जाऊंगा। अब वो फिर से चिढ़ने लगी थी, कैसे पागल लड़के हो, ना तो बात मानते हो ना डरते हो, तुम्हारा इलाज करूं तो करूं कैसे? तभी उसने छलांग लगाई और मैं नीचे गिर गया, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गई थी, उसने अपना हाथ उस मटकी में डाला और वो सेब की छोटी सी टुकड़ी निकाली और मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश करने लगी। वो भले ही बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी लेकिन उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 70 किलो होगा उसका वज़न। वो मेरी छाती पर बैठी मुझे सेब खिलाने की कोशिश कर रही थी और मैं धक्का देकर उससे बचना चाहता था, भले ही वो ताकतवर हो लेकिन मैं भी हट्टा कट्टा हूँ, उसे धक्का देकर किसी तरह से निकल ही गया मैं। उसके हाथ में वो सेब की छोटी सी टुकड़ी, वो मुझे खिलाने की कोशिश करती जा रही थी, नाखून दिखाती, वो मुझे डराती, मुझे काटने के लिए आगे की तरफ आती लेकिन फिर रुककर वो सेब की छोटी सी टुकड़ी मुँह में डालने की कोशिश करती, मैं हर बार मुँह बंद कर लेता। वो बड़े ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उसके बाद उसने नाखून मेरे ऊपर मारने की कोशिश तो की लेकिन फिर से वो खुद को जैसे रोक लेती, कोई कारण था कि वो रुकती जा रही थी, नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बस सेब का टुकड़ा मुंह में डालना चाहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो भी थक गई थी और मैं भी थक गया था, मैं तो एक तरफ बैठ गया और सांस लेने लगा, वो भी खड़ी खड़ी इस तरह से हांफ रही थी जैसे उसके फेफड़े हवा से बिल्कुल खाली हो चुके हों, मुश्किल से सांस ले रही थी और अब मुझे गालियां देना शुरू हो गई, कितने नकचड़े हो, छोटा सा काम भी नहीं कर रहे, अबे मरने का डर रही है, सामने चुड़ैल है जो तुम्हें मार सकती है, उसकी बात मानो, चुप करके ये छोटे से हिस्से को खा लो, अगर मैं पूरा सेब खिला दूं तो अच्छे रहोगे, सारी उम्र मुझे लग जाएगी तुम्हारी, इस छोटे से टुकड़े से बस 2 साल लगेंगे, मैं तुम्हारी छोटी सी उम्र ही तो चाहती हूँ, इतनी मदद भी नहीं कर सकते। मैं नीचे बैठा ही उस पर इस तरह से हंसते हुए कह रहा था, तुम मेरी उम्र चूसना चाहती हो और चाह रही हो मैं मर्जी से ये सब कर लूं, ज़बरदस्ती कर सकती हो लेकिन मर्जी से मैं नहीं मानूंगा। अब वो सामने एक पत्थर पर बैठ गई और नीचे चेहरा करके रोने लगी, अब वो इस तरह से रो रही थी कि मुझे उस पर तरस आ रहा था, यकीन करो पहली बार जिंदगी में चुड़ैल देखी थी और उस पर भी तरस आने लगा था, किसी को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसके पास जाकर बैठ गया था, मैं उसके पास जाकर बैठा और वो अब भी रो रही थी, छोटा सा टुकड़ा ही तो दिया था, अगर तुम कालोगे तो 2 साल मुझे मिल जाएंगे, मैं 2 साल जवान हो जाऊंगी, उस मटकी को इसीलिए तो रखती हूँ, अब तुम्हें भी क्या बताऊँ, भाग जाओ यहाँ से,
तुम मेरा काम तो करने वाले नहीं और मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। चले जाओ यहां से, जल्दी जाओ। अब मैं उससे बात करने लगा था। मैं जानना चाहता हूं, लोगों की उम्र चूस कर तुम्हें क्या मिलेगा? कभी ना कभी तो मरोगी, तो लोगों की उम्र चूसना बंद कर दो और अभी मौत को कबूल करो, इससे किसी का बुरा नहीं होगा। वो अब बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा, क्या करूं, मर जाऊं, अपनी उम्र तक नहीं देखी मैंने, अभी 20 साल की ही तो हूं, लेकिन मेरी ये हालत हो गई तो मैं क्या करूं? दोबारा जवान होना चाहती हूं, उस शाप से बाहर निकलना चाहती हूं। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। 20 साल की? तुम 20 साल की किस तरफ से लगती हो? इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, सारी उम्र तो तुमने देख ली होगी, कौन सी जवानी ढूंढ रही हो? वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम समझ नहीं पाओगे, मैं बड़ा ढीठ हूँ, जब मुझसे कोई ज़िद करता है तो मैं अपनी ज़िद पूरी करने के लिए वहाँ डटा रहता हूँ, और यहाँ भी वैसा ही हो रहा था। वो मुझे मारना चाहती मार सकती थी, लेकिन किसी कारण वो खुद को रोक रही थी। वो मुझसे 2 साल खींचना चाहती थी, चूसना चाहती थी, वो भी कुछ अच्छी तो लगी थी मुझे। अब मैं बातों बातों में उसकी पूरी सच्चाई जानना चाहता था, और वो पहले तो फूट फूट कर रोती रही और फिर से उसने शुरू से कहानी सुनाना शुरू की। मेरी उम्र उस समय 15 साल थी। पास में ही जो बंगला है ना, वहां पर मैं रहा करती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मैं घूमते घूमते यहाँ फोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो आगे वाला लाल रंग का किला है ना, जो टूटा फूटा, कहते हैं कि वहाँ पर भूत है, मैं वहाँ जाकर फोटो खिंचवाना चाहती थी, तस्वीरें खींचकर दोस्तों को दिखाना चाहती थी। मैं वहाँ पर चली गई और मुझे पता चला वहाँ पर श्राप पिशाच रहता है। श्राप पिशाच जो श्राप दे देता है, उसका और कोई काम नहीं है, बस श्राप देता रहता है, बेवकूफ़ बनाता है और श्राप दे देता है। मुझे भी उसने श्राप दे दिया। मैंने छोटी सी गलती की, उससे मांगना चाहा उम्र चाहिए मुझे, और उसने बड़ी जल्दी श्राप दे दिया, मेरी सारी उम्र ले ली और कहा, तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम लोगों की जितनी चाहे उम्र ले सकती हो, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, लेकिन मेरे हाथ में जो मटका पकड़ाया था, उस मटके के अंदर रखे सूखे सेब अगर कोई खाएगा तो उसकी उम्र मुझे लगती जाएगी, मटका हर बार भरता जाएगा। एक शिकार तक नहीं पकड़ा अब तक मैंने, 5 साल हो गए हैं और मैं और बूढ़ी होती जा रही हूँ, मर भी जाऊँगी, पता नहीं मैं अपनी उम्र वापस कैसे पा सकती हूँ, मैं बूढ़ी रह गई हूँ, जवान थी, अब मैं 20 साल की हो जाती, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती, लेकिन मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं जहाँ पर भी मटकी रखती हूँ, हर कोई डर कर भाग जाता है, मौत की मटकी समझ कर। ये मौत की मटकी का लफड़ा भी एक लड़के ने शुरू किया था। जब मुझे ये शाप लग गया था तो मैं इस मटकी को लेकर यहाँ रखना शुरू हो गई। पहला लड़का आया था, उसने इस मटकी को हाथ लगाया और मैंने उसे डराया, उसे समझाने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो डर कर भाग गया। हर जगह अफवाह फैला दी कि साक्षी यानी कि मैं, मुझे मटकी की मौत के कारण ही यहाँ से गुमशुदा होने का वो शाप मिला है। उसने हर तरफ खबर फैला दी कि साक्षी ने भी मटकी को हाथ लगाया था और उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिली। मैं ही तो साक्षी हूँ जो बूढ़ी होकर यहाँ दोबारा जवान होने की कोशिश कर रही हूँ। बस उसके बाद हर कोई मौत की मटकी से डरता है, कोई हाथ ही नहीं लगाता, और मैं जान गई बूढ़ी होकर ही मरूंगी, जवान दोबारा नहीं हो सकती। तुम पहले थे जिसने हिम्मत दिखाई मटकी को हाथ लगाने की, लेकिन तुम भी बहुत चालाक निकले। कैसे अब उस शाप से बाहर कैसे निकलूं, अपनी जवानी कैसे पाऊं मैं? मैं भी उसके साथ बैठा उसके दर्द को समझ रहा था। तभी उसने कहा, बस ये छोटी सी टुकड़ी खा लो, बाकी टुकड़ी और अपने दोस्तों को दे दो, 2-2 साल सबकी निकलेंगे और मुझे लग जाएंगे। मैं थोड़ा सा मायूस भी था। देखो, किसी के साथ बुरा करके मैं तुम्हारा फायदा नहीं कर सकता। उसका चेहरा उतर गया और वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैंने उसे सांत्वना दी, देखो मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर सकता हूँ, दोबारा उस लाल रंग के किले में चलते हैं, उस शाप पिशाच से कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे तुम्हें भी फायदा हो और तुम वहां से बच निकलो। लेकिन उसका कहना था, बड़ा चालाक है वो ऐसी चीज मांगता है, वो ऐसा वरदान देता है जो असल में शाप होता है, वो तुम्हें फंसा लेगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं दोबारा वहां गई थी, लेकिन शाप पिशाच अब मुझसे मिलना तक नहीं चाहता, मैं क्या करूं, मुझ में वो शक्ति ही नहीं है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ,
शक्तिहीन हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसे मनाया। मेरे पास एक तरकीब तो है, तुम वैसा वैसा करना जैसा जैसा मैं कहता हूँ। वो मेरे साथ चल पड़ी। रात का अंधेरा था, आधी रात हो चुकी थी और एक चुड़ैल, जो शाप के कारण चुड़ैल बनी थी, साधारण लड़की ही तो थी वो। अब मैं उसे साधारण लड़की ही समझ रहा था। उसे लेकर मैं वहाँ उस किले के पास पहुँचा। मैंने साक्षी को कह दिया, तुम यहाँ पर घूमना शुरू कर देना और मेरी जैकेट पहन लो, ऊपर ये मास्क डाल लो, पहचान में नहीं आनी चाहिए। वो वहाँ पर घूमना शुरू हो गई और मैं सीधा किले के अंदर चला गया। वो मटकी में रखा हुआ पूरा का पूरा सेब मैंने पकड़ रखा था, उसे एक कपड़े में लपेट दिया और उसे बाहर दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर से आवाज़ आई, कौन हो तुम? मैं एक जिन्न हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा, अच्छे से अच्छी चीज़ मिलेगी, मांगो क्या चाहते हो? मैंने कहा, जिन्न हो? पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम जिन्न हो, तुम्हारी शक्तियाँ देखना चाहता हूँ। सामने से वो भी परेशान हो गया, देखो शक्तियाँ दिखाई नहीं जाती, वरदान दिया जाता है, मांगो क्या मांगते हो? मैंने कहा, अगर मैं मांगू तो तुम दोगे? पहले मैं चेक करना चाहता हूँ, देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगूंगा, पहले चेक करूंगा, मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ, कोई वरदान कोई शाप नहीं चाहता, बस किसी को तंग करना है। वो तुमने करके दिखा दिया तो मैं बात मान जाऊंगा। अब वो भी पशुपेश में फंस गया था। देखो मैं नुमाइश नहीं करता शक्ति की, तुम जो मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं फिर से उसे परेशान करना शुरू हो गया, हाँ चलो मांगता हूँ, लेकिन नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसे जिन फ्री में थोड़े ना कुछ देता है, तुम्हें कुछ मांगना चाहिए, तुम पहले मांगो ना, फिर मैं वो चीज़ ला कर दूंगा, फिर तुम मुझे वरदान देना। अब वो गुस्सा करने लगा था, मैं जिन हूँ जल्दी से मांगो वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं भी कहना शुरू हो गया, चले जाओ, मुझे क्या, मुझे लगता है तुम पीछे दीवार के पीछे छिपे हुए कोई आदमी हो, पागल बना रहे हो, भागो यहाँ से। अब वो गुस्से में आ गया था, तुम कैसे पागल इंसान हो, मैं कह रहा हूँ जो मांगोगे मिलेगा, बस मांगो जल्दी से मांगो, अपने इस फटे हुए मुंह से कुछ निकालो ताकि मैं तुम्हें वो दूं। मैंने कहा, नहीं मैं क्यों मांगू, मुझे यकीन ही नहीं है तुम जिन हो, तुम कोई आदमी हो जो दीवार के पीछे छिपे हुए हो। अब वो इतना गुस्से में आ गया था कि उसने गुस्से में कह दिया, ठीक है परेशान करना है किसी को, बताओ कैसे करना है, तुम्हारे सामने चुटकी में करके दिखा दूंगा, फिर देखना। मैंने कहा, मैंने एक छोटा सा जादू टोना सीखा था, मैं उस खाने की चीज़ में जादू टोना कर चुका हूँ, तुम्हें ऐसा करना है, एक लड़की है उसके सामने उस चीज़ को खाना है बिना उस जादू को काटे हुए, जो जादू उसमें है वो कटना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें उसका खाना खाना है और उसके सामने ही खाना है, वो लड़की डरकर भाग जाएगी। मेरा जो जादू टोना है वो थोड़ा असरदार ज़्यादा नहीं है, इसलिए तुम उस खाने को खा लेना और वहाँ से निकल जाना। वो तैयार हो गया, ठीक है लेकिन उसके बाद तुम मांगना जो मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वो दूंगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है ठीक है, दीवार के पीछे छिपे हुए आदमी तो नहीं हो ना तुम? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जल्दी से मुझे बाहर ले गया। अब मैंने साक्षी को बाहर बिठाया हुआ था, वो जैकेट पहनाई हुई थी, उसने मास्क भी डाला हुआ था और वो सेब कपड़े में लपेट कर पास में रखा हुआ था। मैंने कहा, वो सेब रखा है, मैंने उसमें छोटा सा जादू किया है, तुम उसके सामने उस सेब को खा जाना, लेकिन खाना होगा, गायब मत करना, खा जाओ और फिर देखना कैसे डरकर भागती है और मुझे खुशी मिलेगी, उसके बाद मैं मांगूंगा जो मांगना चाहता। वो जल्दी से गया, कपड़े से लिपटा हुआ वो सेब उसने सीधा मुंह में डाला और जैसे ही उसने वो सेब खाया, उसमें जो शक्ति थी, जो जादू था, उसी ने जो शाप दिया था उस सेब में उसकी उम्र बांधी थी, जिसे खिलाती उसकी 2 साल की उम्र उसे मिलती, अब इस शाप पिशाच की वो उम्र सीधी निकलकर उसे लग गई थी। साक्षी फिर से जवान हो गई थी, वो कुबड़ से निकली हुई बूढ़ी औरत नहीं, बहुत ही सुंदर लड़की लग रही थी, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, बहुत खुश अपनी उंगलियों को देख रही थी और वहां पर वो शाप पिशाच घूर रहा था। क्या हुआ अभी? कुछ तो हुआ है, मेरे अंदर से कोई शक्ति निकल कर गई है और मुझे पता तक नहीं चला। वो अपना सर खुजा रहा था और मैंने भागना शुरू कर दिया, साक्षी भी वहां से भाग रही थी, लेकिन वो शाप पिशाच हमें वहां से निकलने नहीं देना चाहता था, वो दीवार उसने बहुत ऊंची कर दी जिसे फांद हम नहीं सकते थे। सामने से वो कहने लगा, अब चालाकी दिखाई है तो मांगो, मांगना
समझदारी से अब नहीं बच सकते। अब साक्षी तो बच चुकी थी, लेकिन मुझे मांगना था। मैं कोई ऐसी चीज मांगना चाहता था जिससे मुझे नुकसान भी ना हो और ये शाप पिशाच भी फंस जाए। वो जिद करता जा रहा था और साक्षी मुझसे चिपक चुकी थी। वो डरी हुई थी, दोबारा वो बूढ़ी नहीं होना चाहती थी। मैं भी सोचता रहा, करूं तो करूं क्या। तभी मैंने मांगा, मैं चाहता हूं तुम जो शाप दो वो किसी और को नहीं तुम्हें लगे। और ये बात सुनकर वो सन्न हो गया। वो भी समझ नहीं पा रहा था इसे काट कर हमें वो शाप कैसे दे। जो भी वो शाप देता वो उसे ही तो लगता। सन्न खड़ा हो गया था, दीवार छोटी हो चुकी थी, हमें जाने की इजाजत मिल चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता था ही नहीं। वो एक सांस लेता तो उसे वो शाप लग जाता, जैसा कि वो हमेशा से करता रहा था। सांस को रोके हुए वो सोच रहा था इसकी काट कैसे निकाले, लेकिन हम वहां से भाग निकले। चीखें आई थी पीछे से, वो चीखता रहा था, चिल्लाता रहा था और हम उस किले से बाहर आ गए थे। हम सीधा कॉलोनी में पहुंच गए और साक्षी ने वहां पर मास्क उतारा था। इतनी सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो मुझे गले लगाकर सीधा वहां से भाग गई थी अपने घर की तरफ। मैंने उसकी मदद तो की थी और उसके बदले में बस एक हग ही मिला था। वो वहां चली गई और मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर आकर काफी डांट पड़ी थी, रात के 1 बज चुके थे और काफी मामा जी से गालियां खाने के बाद मैं सो गया, जैसा कि हर रोज किया ही करता था। अगले 2-3 दिन तक मैं साक्षी को ढूंढने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन साक्षी मुझे कभी नहीं मिली। अब वो मौत की मटकी भी लोगों को दिखना बंद हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक मायूसी थी। जब आप किसी की मदद करते हो तो आप भी चाहते हैं कि वो भी इस मदद को याद रखे, बस एक मुस्कान दे दिया करे। लेकिन मैंने जिसकी मदद की थी वो तो मुझे नजर आ ही नहीं रही थी। 15 दिन बाद हमारे ही कॉलेज में साक्षी नजर आई और बातों बातों में उसने ढेर सारी और बातें बताई। वो काफी अमीर थे और उसकी एडमिशन सीधा कॉलेज में करवा दी गई। ये कॉलेज भी तो उन्हीं का था। अब साक्षी से मेरी दोस्ती तो हो चुकी थी और वो भी मेरी एहसानमंद थी। शहर में अब ये बात बता दी गई थी कि साक्षी अपने रिश्तेदारों के पास गई हुई थी और 5 साल वहीं पर रहकर आई। वो बात कब छिप गई पता ही नहीं चला, लेकिन कॉलेज में सब मुझसे यही पूछा करते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ मुझसे ही क्यों बात करती है, आखिर वो सिर्फ मेरी ही दोस्त कैसे बन पाई, कैसे मैंने उसे पटाया। इस सवाल का जवाब कभी किसी को मिल नहीं पाता। साक्षी का इस कॉलेज में अब सिर्फ मैं ही सबसे अच्छा दोस्त हूं और हम दोनों हर बार यही बात करते रहते हैं कि दोबारा उस लाल रंग के किले के पास कभी नहीं जाना चाहते, और वो शाप पिशाच शायद हमारा इंतजार कर रहा होगा जो हमेशा करता ही रहेगा। और कॉलेज में कई लोग मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं, आखिर मैं नल्ला बेरोजगार छपरी लड़का इस कोठी बंगले वाली लड़की को कैसे पटा पाया।